हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं सगस बाबा के ढोकले, तो आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। रेडी है, इसमें जाएंगे हम सगस बाबा की। अभी दुकान में चल रहे हैं, दुकान से सामान लेंगे, नारियल अगरबत्ती, फिर चलेंगे। दुकान आ गई है भाई, दुकान ऐसी था। अभी हमने नारियल अगरबत्ती ले लिए, ये रही नारियल अगरबत्ती, नारियल अगरबत्ती। और अभी हम जा रहे हैं सगस बाबा के विथ फैमिली। अभी हम जा रहे हैं सगस बाबा के, हमारे गांव से ये सीधा रोड पड़ता है। हमारे गांव में भी सगस बाबा है, सगस बाबा यार है। इनके बाद में ढोकने आएंगे, अभी थोड़ी देर बाद में हम वहां से आएंगे, तब बाद में ढोकने आएंगे, यहां पर भी आएंगे। ऐसा भी मैं आता अभी हम केसरपुरा पहुंच चुके हैं, अब जा रहे हैं हम सगस बाबा के ढोकने। इधर है केसर सगस बाबा, अभी हम जा रहे हैं, हमारा बाबू ये सोता है भाई। थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं सगस बाबा के, तो आप हमारे साथ बने रहिए। क्या नज़ारा है यहाँ का, ओ बाबा अभी आने वाले हैं, बाबा के पहुंचने वाले हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं बाबा के, हमारा बाबू हमारे पीछे चल रहा है, अभी सो रहा है वो। अभी हम सगस बाबा के पहुंच चुके हैं, अभी धूप ऊप लगा ली, अगरबत्ती जो दी भी। अभी हम जा रहे हैं वापस घर पे। ए बाबा, ऐसा व्यू है यहाँ का, केसरपुरा में है सगस बाबा, हेडपम्प भी है। अभी हम जा रहे हैं वापस, ये सगस बाबा, अब बाबू को भी ढुका लिया है हमने सगस बाबा के, सो रहा है देखो। जा रहे हैं घर पे, पाप हमारे साथ बने रहिए मजे से। थोड़ी घनी हरियाली दिखी है अभी। ये ज़ोरदार स्थान बनाया है अभी केसरपुरा में, यहाँ पे कोरोना काल पे एक दादी जी शांत हो गई थी, तब उनके बेटों ने घर ये मंदिर टाइप बनवाया है, बहुत अच्छा है और ज़ोरदार है। इसमें लिख रखा है श्रीमती मांगी देवी श्री श्री 1008 सूर्यकर्णी जी महाराज के आश्रम में केसरपुरा।